उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां खुद पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम जिसमें खुश रहो मैं उसी में खुश हूं। इस पर पत्नी ने अपने पति को अपनी बीती जिंदगी का राज बताया। पत्नी ने बताया कि वह किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ खुश रहेगी। पत्नी कोमल ने बताया कि उसका एक प्रेमी है जिससे वह बहुत प्यार करती है और उसी के साथ वह खुश रहेगी। मेरी शादी जबरदस्ती करा दी गई थी, मैं शादी से खुश नहीं हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ पिंटू प्रेमी के साथ ही खुश रहूंगी। पूरी बात सुनने के बाद पति पंकज ने किसी प्रकार की हिंसा ना करते हुए तुम जिसमें खुश हो मैं वही चाहता हूँ, उसमें मैं भी खुश हूँ। इसके बाद पंकज ने पूरे परिवार के सामने इस बात को रखा और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पहले पत्नी कोमल को तलाक दिया, उसके बाद कोमल की शादी प्रेमी पिंटू से करा दी। बताया जा रहा है कि पंकज ने कोमल और उसके प्रेमी पिंटू के घर वालों से बातचीत की, सबको पूरी बात बताई, दोनों की शादी के लिए घर वालों को राजी किया, जिसके बाद आशा ज्योति केंद्र में पंकज ने कोमल के परिवार और पिंटू के परिवार वालों के सामने कोमल और पिंटू की शादी करा दी। क्या रीजन रहा? परेशान करते थे, थोड़ा टॉर्चर करते थे। अगर आपने शादी कर ली उसे आपसे मोहब्बत भी करती थी, तो इतनी लाइफ है कैसे बदल करेंगे आप? जो भी पैसे हैं अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।